हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। झारखंड कांस्टेबल 4/2015 और सुनील टूडू का मामला, जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, इसमें प्रभावित जो है वो दिखा रहे हैं 6800 सिपाही। इसमें सिर्फ जिला पुलिस 4/2015 वाले छात्र नहीं हैं, और भी इसमें कांस्टेबल हैं। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है कि 6800 लड़कों का ज्वाइनिंग हो गया था तो फिर कैसे होगा, सीट बहुत कम बचे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें और भी वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको क्लियर हो गया होगा कि 6800 जो छात्र हैं वो 4/2015 वाले सिर्फ नहीं है, ठीक है। बाकी प्रभावित नहीं होंगे, इसके लिए मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, बीच का रास्ता निकाला जाएगा और बीच का रास्ता में जो है कांस्टेबल 4/2015 वाले छात्रों को कुछ सीटें अवश्य यहाँ पे मिलने की संभावना दिख रही है। करीब करीब 200 का अनुमान यहाँ पे है, 200 प्लस का, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, और अभी जो है आंकड़ा का यहाँ कन्फर्मेशन देना सही नहीं रहेगा कि कितने छात्रों ने ज्वाइनिंग जो है वह करने के बाद छोड़ा है या मेडिकल में डिसक्वालीफाई हो गए, तो उस तरह का मामला जो है फिर देखने को मिलेगा। उसके बाद नंबर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। बाकी हाईकोर्ट जो है 15 से 30 दिन में जो है वो क्लियर जजमेंट दे देगी, अपना आदेश दे देगी। उसके बाद जो है सरकार इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है आपको बुलाएगी, अगर आपका नाम अगर आता है, ठीक है। बाकी जिस तरह का मामला आप लोगों ने यहाँ कल के डेट में देखा कि झारखंड में सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन का ये हाल हो चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों का हमेशा आगाह करता हूँ कि आप लोगों का जो विज्ञापन है 4/2015, जिसका मामला एक हाईकोर्ट में, तो उसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया, उसमें बहस पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। बाकी एक मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें करीब करीब 6 केसेस हैं। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप कुछ भी करो, आपका जो है मिशन वो ये होना चाहिए कि 4/2015 के संपूर्ण केस पे जो है वो क्षेत्रीय आरक्षण पे आपकी जीत होनी चाहिए। अगर क्षेत्रीय आरक्षण पे आपकी जीत हो जाती है तो लगभग लगभग मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि सभी लड़कों का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जिला वाइज जो मेरिट आएगा उसमें जो है इजिली सबका हो जाएगा, या स्टेट वाइज मेरिट, जैसे भी जो है जजमेंट, जब तक जजमेंट आपका नहीं आ जाता है, जब तक फीमेल सीट को आप नहीं जीत जाते हैं, तब तक यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले ही बता चुका हूँ कि आगे का सोचना और आगे का सोच के जो है इस केस को पीछे कर लेना, ये कहीं से भी मुझे सही नहीं लगता है। और मैं बार बार इस बात को आपको बताने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें आपकी भलाई है। अगर अभी जो है फीमेल सीट पर आप अगर जीतते हैं तो लगभग लगभग जो है सबका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, और कुछ अगर गलतियाँ होती भी है तो उसके बाद भी जो है एक समेकित सूची की बात की गई है, उसको भी आयोग की तरफ से निकाला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को आदेश देगा, ठीक है। बाकी एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में अगर इतनी बड़ी धांधली है, तो आप झारखंड की या बिहार की या उत्तर प्रदेश की स्थिति को भी एक बार देखें, और वहाँ पे जो है एग्जामिनेशन की जिस तरह से पेपर वायरल हो रहे हैं, तो ये समय जो है वो काफ़ी ख़राब आ चुका है। और आप लोग जो हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के शरण में हैं, तो इससे बढ़िया जगह आपके लिए और कहीं नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 4/2015 तो गंभीरता से लेते हुए इसको जीतने का आप लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें आपका सब चीज़ किया जा रहा है। आप लोगों ने सबसे पहले रिटेन एग्ज़ाम दिया, पीटी, मेंस दिया, दो दो एग्जामिनेशन कांस्टेबल में झारखंड में ही लिया जा सकता है। पीटी दिया, मेंस दिया, उसके बाद आपका जो कि रनिंग हुआ 10 किलोमीटर, उसके बाद आप लोगों ने मेडिकल दिया, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सारी प्रक्रियाएं आप लोगों ने पूर्ण कर रखी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप सुप्रीम कोर्ट में, जहां से पूरा इंडिया का जो है रूल और रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होता है, वहां पे आपकी जो है वो केसेस को देखा जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी, आपके वकीलों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको जो है वो बेहतर ढंग से जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है क्षेत्रीय आरक्षण पे, उसको बेहतर ढंग से डील करते हुए जीता जाए, क्योंकि इस तरह का जो है वो मौका बार बार आपके पास नहीं आने वाला है। और आप सभी को पता होगा कि अगर क्षेत्रीय आरक्षण पे आपकी जीत हो जाती है, जिसकी संभावना जिस तरह से आरजे नंदा सर ने भी कहा कि लगभग लगभग यहाँ पे तय है कि जीत छात्रों के पक्ष में ही होगी, और अगर क्षेत्रीय आरक्षण पे जीत होती है तो कितने छात्रों का जो है वो ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगा, करीब करीब 2000 प्लस, जो काफ़ी बड़ी संख्या है, तो आप लोग समझ सकते हैं। और आपको एक मौका मिलेगा कि फिर से एक बड़ा पंडाल का निर्माण JSSC सरकार की तरफ से किया जाए, और वहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र का वितरण में आप शामिल हो और नियुक्ति लें। तो इस तरह का मौका आपको ढूंढने के लिए, आपको करने के लिए उस तरह के मेहनत भी करने पड़ेंगे, लगातार जो है वो एक सही रास्ते पे जो है प्रयासरत रहना पड़ेगा, तभी जो है इस केस को जीता जा सकता है। और कुछ गलतियां छात्रों के द्वारा करी जाती है जिससे केसेस को डिले किया जाता है, तो इससे बेहतर है कि आप लोग अभी साइलेंट मोड पे रहें, और जहां तक हो सके
वकीलों की बात को सही और गलत सोचते हुए भी इम्प्लीमेंट करने की बात वकीलों से करें, ताकि वो अपना मन से कुछ ना कर पाए, ठीक है। तो बाकी जो भी होगा इस केसेस में कुछ बेहतर होने की संभावना है, और आने वाले टाइम में और भी कुछ अपडेट्स इस केसेस के बारे में मैं देने वाला हूँ, जो वीडियो के माध्यम से ही होगा, और बहुत जल्द वीडियो के माध्यम से एक दो दिन में ही जो है कुछ छात्रों के बीच दुविधाएँ हैं उसको भी क्लियर करने का मैं प्रयास करूँगा। बाकी जो भी इस तरह के माध्यम से बताया जाता है 100% सत्य रहता है, इसकी भी मैं हमेशा बात करता हूँ कि कुछ भी ऐसा चीज़ मेरे द्वारा नहीं बताया जाता है या ऐसा बात नहीं करी जाती है जिससे इस केस को कुछ प्रभाव पड़े। और लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि इस वैकेंसी को मैं शुरू से देख रहा हूँ और अभी तक जो है वो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं बोला जो नहीं होगा। मैं अगर प्रिडिक्शन भी किया हूँ तो वो 100% सत्य रहा है। मैंने अगर कहा है कि ये चीज़ होने की संभावना है तो संभावना नहीं, वो कन्फर्मेशन होता है और वो चीज़ें हुई है। ये आप मेरे वीडियो को उठा के भी देख सकते हैं। जिस तरह से लगातार मैं प्रयासरत हूँ और मैं चाहूँगा कि इस केस में जो है छात्रों की ज्वाइनिंग हो और एक मौका मिले कि आपस में सभी छात्र मिल पाएँ, और जिसकी चीज़ का जिक्र मैं हमेशा करता हूँ कि जब ज्वाइनिंग होगा तब सभी से एक मुलाकात होगी और वो सुखद होनी चाहिए। बाकी इस चैनल पर अगर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और 4/2015 एक बार मैं एक चीज़ कहूँगा कि एक तरफ आप देख लीजिए कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे अगर ये स्थिति है तो आपके केस में कितनी मजबूती से लड़नी चाहिए, इसको भी आप थोड़ा आप अपने आप में सोच के देखिएगा कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में ये धांधली हो रहा है तो जो चीज़ को आप इतना दूर तक लेके पहुँच गए हैं उस चीज़ में थोड़ा और मेहनत करके उसको जीतना कितना ज़रूरी आपके लिए हो सकता है। बाकी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।